हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर आई थिंक 4 है। ठीक है, 1, 2, 3 खत्म हो चुका है लेक्चर। आज के लेक्चर में बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं और काफ़ी डिटेल हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और खूब डीपली जाएंगे कैसे क्या हुआ, क्यों, कैसा, इसी को लिया गया। जो आपके IIT में या नीट में बोर्ड में तो शायद ना है, लेकिन नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है। एक बात और, इस वीडियो का नोट्स में दूंगा नहीं, क्योंकि आज का थोड़ा मैथमेटिकल है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा और नोट्स यहीं से बनाना होगा। ठीक है, बात समझ में ना, क्योंकि डिटेल में कुछ है नहीं, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है और ग्रैप्स करना। ठीक है, तो बेटा जो हेडिंग लगाएंगे हम, एक मिनट मार्क कर देंगे, जो हम हेडिंग लगाएंगे बेटा आज, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास। ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। आई थिंक थोड़ा ऊपर हो गया होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं एटॉमिक मास इसके नीचे लिखूंगा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। ठीक है, इसके जानने से पहले एटम जानते हैं, सब आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये आप जानते हो। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, 9th 10th में पढ़ते आए हो। मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वह क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। उस सब्सटेंस में एलिमेंट भी आ सकता है और कंपाउंड भी आ सकता है और इंडिपेंडेंटली रहता है। समझ में आ रहा है, ये सब आप जानते हो। मॉलिक्यूल टर्म एवोगैड्रो ने दिया था, एवोगैड्रो इंट्रोड्यूस मॉलिक्यूल टर्म। ठीक है, अब तो मॉलिक्यूल्स भी दो प्रकार का होगा, थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूं, बेसिक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरा होगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रहा है, तो मॉलिक्यूल्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सेकेंड वन इज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर हो रहा है, अब समझो इसका मतलब क्या होगा। आप ये भी जानते हो कि मॉलिक्यूल बनता कैसे है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम के कंबाइन होने से। दो एटम डाई एटॉमिक, 3 एटम ट्राई एटॉमिक, 4 एटम टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ रहा है, तो जब सेम टाइप ऑफ एटम, व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन फॉर्म होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर हो रहा है, जैसे एग्जांपल ले लो बेटा, H प्लस H, दो एटम हाइड्रोजन के, तो ये हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक होगा। Cl प्लस Cl, ये क्या हो गया, Cl2, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मेरी बात समझ में आ रही है, O प्लस O गिव राइज O2, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म बाई, विच इज बहुत, ये सब बेसिक टॉपिक है, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूं, 9th 10th में पढ़े भी होंगे। विच इज फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, विच इज फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इज नोन एज बोलो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, H प्लस Cl, HCl, अमोनिया, देखो अमोनिया मॉलिक्यूल में 2 एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, H2O भी क्या, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यह 2 टाइप्स के क्या हो गए बेटा, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आप जानते हो, लेकिन आइए जो हेडिंग हमने लगाया है उस पर थोड़ा आज हम बात करते हैं और काफी डिटेल चलेंगे। ठीक है, ध्यान दो,
एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास आप समझ लोगे ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी समझ लोगे। एटॉमिक मास कोई बेटा बहुत बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है, बच्चों का कॉन्सेप्ट इसमें एकदम जीरो के बराबर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ठीक से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आप खुद मास्टर इसमें हो जाओगे, ठीक है। एटॉमिक मास, नाम से लग रहा है कि एटम का मास, नाम से क्या लग रहा है, एटम का मास, एटम का वेट, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, दोनों बात एक ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है ना, वो किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, किसी को रेफरेंस मान के निकालते हैं। जैसे कहा जाए कि हाथी सबसे भारी होता है ना, एलिफेंट सबसे भारी जानवर है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दोस्त मान लो 1000 किलो का है, तो उससे तुलना करके ही किसी का वेट हम डिसाइड करेंगे। अगर हाथी से कोई जानवर ज्यादा होगा तो हम कहेंगे हाथी से भारी है, अगर कोई जानवर हाथी से छोटा होगा तो हम कहेंगे हाथी से हल्का है। मेरी बात मतलब हाथी का वेट हमने रेफरेंस मान लिया है, अब इसी 1000 मच्छर था, 1000 वेट से कम होगा या 1000 वेट से ज्यादा हो किलो से, मेरी बात समझ में आ रहा, मतलब एक हम रेफरेंस वैल्यू या एक हम एक एक ऐसे एटम का वेट निकाल लें, एक ऐसे एटम का वेट निकाल लें उसी के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। जैसे 1 किलो का जो बटखरा होता है, तो देखे होंगे जो सब्जी भी लेते होंगे, वह कहां से आया, लंदन के एक लैब में प्लेटिनम और इरिडियम का एक वेट रखा है, उसी को 1 किलो माना गया है, उसी 1 किलो के रेस्पेक्ट में हम किलोग्राम निकाला गया, 1 किलो 2 किलो, मेरी बात समझ में आ रही है। तो किसी एक एटम का हम एटॉमिक मास निकालेंगे, पहले बहुत दिक्कत होती थी निकालने में, अब तो हमारे पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिससे हम किसी भी एटम का खटाखट निकाल लेते हैं वेट। लेकिन 1960 या 61 बुक में 61 लिखा है, उस समय एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना काफी टफ था बेटा। तो किसी एक एटम का साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया और उसी को कैलकुलेट करके उसी को आधार, उसी के रेस्पेक्ट में और एटम का या और एलिमेंटों का उन्होंने एटॉमिक वेट निकाला। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो अब क्वेश्चन उठता है कि किस एटम को लिया जाए, किस एटम का हम एटॉमिक वेट कैलकुलेट करें, एटॉमिक वेट हम कैलकुलेट करें, और इस एटम का जब एटॉमिक वेट हम कैलकुलेट कर लें तो इसी के रेफरेंस को मानते हुए और एलिमेंटों के एटम का हम एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठ गया भैया कि किस एलिमेंट या किस एटम का लें, तो उसको आधार मानते हुए साइंटिस्टों ने यह कहा कि भैया हम ऐसा एटम लेंगे, हम ऐसा एटम लेंगे जो एबंडेंस हो, एबंडेंस मतलब जो पृथ्वी पे ज्यादा पाया जाता हो, जो पृथ्वी पे ज्यादा पाया जाता हो, जो एटम बहुत कम रिएक्टिव ना हो, मतलब बहुत कम रिएक्टिव ना हो, लीस्ट रिएक्टिव ना हो, और न ही बहुत ज्यादा मोर रिएक्टिव हो, नहीं बात समझ में आ रहा, मतलब 3 कंडीशन को सेटिस्फाई किया गया कि उसी एटम का हम एटॉमिक वेट कैलकुलेट करेंगे और जिसका कैलकुलेट करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में हम सबका निकालेंगे। तो क्वेश्चन था भैया किसको लिया जाए, किसका कैलकुलेट किया जाए, बात समझिएगा। तो साइंटिस्टों ने कहा कि भैया चलो ऐसा एटम लिया जाए जो नेचर में ज्यादा मात्रा में पाया जाए, बहुत कम रिएक्टिव ना हो, ना ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, अगर कम रिएक्टिव होगा तो किसी रिएक्शन में नहीं करेगा, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा हैलोजन की तरह खट से रिएक्शन कर लेगा, तो समस्या उत्पन्न हो गया। तो जब इस क्राइटेरिया को बनाया गया कि भैया इसमें जो फिट होगा उसी एटम का हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, तो इस क्राइटेरिया में जो एटम या जो एलिमेंट सेटिस्फाई हुआ वह कार्बन था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि क्यों कार्बन के एटम का ही एटॉमिक मास निकालकर उसी के रेफरेंस लेते हुए और एटम का कैलकुलेट किया जाता है, तो दैट इज द रीजन कार्बन अकर इन मोर एबंडेंस, इट इज नॉट लिस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव नो, मॉडरेट रिएक्टिव होता है, हल्की एनर्जी देंगे तो रिएक्शन कर लेगा, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो कार्बन का कौन सा लिया गया, C6H12, तो इसी को आधार मानते हुए, इसी का रेफरेंस लेते हुए, इसका जब हमने कैलकुलेट किया
इसी का रेफरेंस लेते हुए हम और एटम्स का कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे मेरे बताने का क्या उद्देश्य था कि वाई वी टेक अ कार्बन, तो कारण क्या था कि इस क्राइटेरिया में यही एलिमेंट या यही एटम क्या हो रहा था, फुलफिल कर रहा था। इसी नाते हम जिसका रेफरेंस या जिस रेस्पेक्ट में लेंगे वह कौन सा होगा, कार्बन होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत बढ़ा जाए। अब तो बात आ गई कार्बन की, बीएससी वाले में जानते हैं क्यों ऐसा हुआ, तो वो भी देख लेंगे जिस उसको मास्टर वास्टर बनना है। अब किसी भी एटम में, तो मार्कर चेंज करने, किसी भी एटम में ध्यान दीजिएगा, किसी भी एटम में बेटा क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, पढ़ाऊंगा एटॉमिक सेक्शन में, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। बराबर कर लो, किसी भी एटम में तीन पार्टिकल होते हैं ना भैया, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट होता है, वेट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, सेम होगा। अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सेम नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। दशमलव के तीन स्थान पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वेट या वेट ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और यहां पर किसका मास हो गया, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो तो बेटा, किसी भी एटम का जो वेट होता है ना, किसी भी एटम का जो वेट होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो इनको जब हमने देखा, इनका वेट एक अच्छी खासी वैल्यू आ गई, इन दोनों की वेट जब लिया गया ना, तो एक अच्छी खासी वैल्यू आ गई। मेरी बात समझिएगा, किसी भी एटम का जो एटॉमिक वेट या किसी भी एटम का जो वेट होता है ना, वह वेट ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। और जो इसकी वैल्यू थी, इसके सामने इसकी वैल्यू बहुत कम हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बहुत नेग्लेजिबल हो गई। मेरी बात समझिएगा, जैसे मान लो मैं 200 किलो का हूं और मेरा बेटा 10 किलो का है, तो मेरे बेटे का वजन मेरे सामने नेग्लेजिबल है। मेरी बात समझ में आ रहा है, तो एटम का जो वेट होगा वह जनरली किसकी वजह से होता है, वेट ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। इस नाते इलेक्ट्रॉन का वेट हम क्या मान लेते हैं, इनके सामने नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो एटम का जो एटॉमिक मास होगा वह ड्यू टू किसकी वजह से होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। हमने कौन सा एटम माना, कार्बन 6, 12 माना। अब इस कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, बोलो यही माना गया है। इस 6 इलेक्ट्रॉन का वेट क्या है, नेग्लेजिबल है, बोलो, क्योंकि इनकी एक अच्छी खासी वैल्यू आ रही है, इनकी वैल्यू इनके सामने क्या है, नगण है, ना 9 के बराबर है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक वेट ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू किसकी वजह से होगा, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की वजह से होगा। क्लियर हो रहा है भाई, एक कार्बन एटम का जो वेट होगा वह 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की वजह से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट हमने यहां पर क्या मान लिया है, नेग्लेजिबल मान लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। फिर एक कार्बन एटम का जो वेट होगा, है ना, मिनिमम समझो, एक कार्बन एटम का जो वेट होगा वह है 1.99 × 10⁻²³ ग्राम। यह हमने कैलकुलेट किया है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपको जरूरत नहीं है, अगर आप कहेंगे तो इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तो इसको कैलकुलेट किया गया, एक कार्बन एटम का जो वेट आया बेटा कितना आया, 1.99 × 10⁻²³ ग्राम विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बाय विच वी कैलकुलेट द वेट, बॉन्ड एंगल, सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है।
आपको एक चीज याद रखना होगा कि ये कार्बन एटम का जो वेट था वह क्या था 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम। ठीक है, तो ऊपर मिटा रहा हूं जो कम है। अब एक कार्बन एटम का वेट आ गया, कैलकुलेट कर लिया गया कितना आया है, एक कार्बन एटम का वेट कितना है 1.9 × 10⁻²। और एक कार्बन एटम का जो वेट है वो किसकी वजह से है, अरे भाई 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, इन्हीं की वजह से है ना 1.99। तो ऊपर मैं दिखाई दे रहा हूं, यहां लिख रहा हूं 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन की वजह से ही ना 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम। अरे भाई यही, अरे यार एक कार्बन का वेट कितना है, इतना है एक कार्बन का वेट, वेट किसकी वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कुल कितना है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको पार्टिकल लिख दो, एक 6 पार्टिकल 6 पार्टिकल मतलब 12 पार्टिकल का वेट कितना है 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम। 12 पार्टिकल समझ में आ रहा कहां से है ना, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन एक साथ एक 12 पार्टिकल में लिख दिया। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, राइट डाउन करिएगा क्योंकि जगह कम है। ठीक है, अब देखो तो कार्बन में जो 12 पार्टिकल 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन थे उनका वेट हमने कितना कैलकुलेट किया बाय एक्सपेरिमेंटली 1.9 × 10⁻²⁰ ग्राम। तो एक पार्टिकल का कितना वेट होगा, एक पार्टिकल का वेट, तो एक पार्टिकल का वेट मतलब या तो एक प्रोटॉन का वेट भिन्न होगा या एक न्यूट्रॉन का वेट, तो कितना होगा 1.99 × 10⁻²⁰ / 12 है ना, होगा भाई एक पार्टिकल का इज इक्वल टू कितना आया 0.16605 × 10⁻²⁰ ग्राम। इसको और क्या लिख सकते हैं, और 1.6605 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो एक पार्टिकल का वेट कितना आ गया कार्बन के 1.6605 × 10⁻²⁴ ग्राम। बोलो अब क्या हो, तो क्या आ रहा है यह 1.6605 × 10⁻²⁴ ग्राम, यह कहां से आया है बेटा, यह एक कार्बन का जो वेट था 1.99 × 10⁻²⁰ / 12। कहने का क्या मतलब है, तो 1.6605 × 10⁻²⁴ इज इक्वल टू या C6 12/12, मतलब इसको कह सकते 1.6605 × 10⁻²⁴ / 1/12। तो कार्बन के 1/12 वाट, 1/12 कार्बन के 1/12 के बराबर होता है 1.6605 × 10⁻²⁴। किताब में परिभाषा भी लिखा रहता है कार्बन के 1/12 भाग के बराबर, यहीं से 1/12 आया है कार्बन के 1/12, समझ में आया। अब देखो तो कार्बन के 1/12 भाग का वेट कितना है 1.6605 × 10⁻²⁴, इसी को हम बोलते हैं एक AMU एटॉमिक मास यूनिट या 1U, 1U मतलब यूनिफाइड मास। तो एक AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.6605 × 10⁻²⁴। AMU को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या U को क्या बोलते हैं यूनिफाइड मास, आजकल ये उपयोग हो रहा है यूनिफाइड मास। क्लियर हो रहा है, मैं जा रहा हूं स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाते चलिए। यूनिफाइड मास क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत यहां तक, तो 1 AMU की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा 1.6605 × 10⁻²⁵ ग्राम। ठीक है, अब सवाल का प्रकार आ गया, आइए और आइटम्स की थोड़ी बात करते हैं हम लोग। क्लियर है, यह वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। एक पार्टिकल का वेट एक कार्बन एटम अपॉन 12 हुआ, यही ना हुआ भाई। तो अगर मान लो पूछ दे आपसे ऑक्सीजन का वेट बताइए, तो ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो 8 प्रोटॉन
चार नाइट्रोजन पहले लो सबसे सिंपल नाइट्रोजन 7 और 14 चार एटॉमिक नंबर हो गया एटॉमिक मास 14 है 14 मतलब प्रोटॉन कितना हो गया 7 न्यूट्रॉन कितना हो गया 7 तो ठीक है 14 × 1 AMU 1 AMU मतलब समझ रहे हो ना एक पार्टिकल का 14 1 AMU क्यों है कार्बन के रेफरेंस वैल्यू माने हैं उसी को लेकर सब निकालेंगे तो कितना आएगा 14 × 1.6605 × 10⁻²⁴ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकल जाएगा ठीक है और ले लो ऑक्सीजन का 16 प्रोटॉन कितना हो गया 8 न्यूट्रॉन कितना हो गया 8 तो 16 × 1 AMU इसको क्या मान सकते हैं 16 × 1.6605 × 10⁻²⁴ ग्राम ठीक है और एग्जांपल ले लो 1s2 हाइड्रोजन प्रोटॉन कितना होगा 1 न्यूट्रॉन कितना होगा 1 T12 AMU वो लिख सकते हैं ना क्लियर हो रहा है अब देखो ये एटम का हो गया इसको एटॉमिक मास बोलेंगे N2 ले लो मॉलिक्यूल हो गया O2 ले लो ये भी मॉलिक्यूल हो गया तो एक में 14 था तो दो में कितना होगा 28 तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा 28 × AMU समझ में आ रहा ना 28 × 1.6605 × 10⁻²⁴ ग्राम एक का 16 था दो का कितना होगा 32 into AMU किसी का ले सकते हो सोडियम 11-23 होता है अब इसमें 23 में प्रोटॉन होता है 11 और न्यूट्रॉन होता है 12 तो कितना आ गया 23 into AMU किसी का निकाल सकते हो मेरी बात समझ में आ रही है तो इधर का एटॉमिक मास हो गया क्योंकि एटम की बात हो रही है यहां मॉलिक्यूल्स की बात हो गई तो मॉलिक्यूलर मास हो गया बढ़ा जाएंगे आइए तो और बताइए ठीक है आइए थोड़ा और देखते हैं CH4 पूछ दे अमोनिया पूछ दे और क्या हो सकता है C6H12O6 यूरिया हो गया कोई मॉलिक्यूल बड़ा से बड़ा मॉलिक्यूल अब यहां देखो कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 4 कितना हो गया 16 मास कितना हो जाएगा AMU तो 16 × 1.6605 × 10⁻²⁴ ग्राम इसका होगा 14 × 17 AMU इसका होगा 180 AMU इसका 60 AMU किसी का निकाल लोगे ना भाई हो जाएगा बेटा अब देखो HCl का ले लो 1/35.5 कितना होगा 36.5 × AMU ठीक है यह कौन सा मॉलिक्यूल है कोवैलेंट मॉलिक्यूल यहाँ सारे क्या थे कोवैलेंट मॉलिक्यूल तो जब कोवैलेंट मॉलिक्यूल का निकालेंगे ना तो हम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे अब जैसे यहाँ NaCl ले लो इसका होता है 58.5 AMU वही होगा सीधे NaOH ले लो इसका होगा 40 AMU ठीक है वही मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब आयनिक कंपाउंड होगा यह क्या हो गया आयनिक कंपाउंड जब आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो हम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे यहाँ पे बोलेंगे फार्मूला मास तो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास सब कुछ सेम प्रोसेस है जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा और जब आयनिक कंपाउंड होगा तो वह फार्मूला मास कहलाएगा ठीक है यह मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा कैसे ये सब बनता है ठीक है तो आज के लिए इतना रहने दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्लीज ओके थैंक यू